किसान आंदोलन के बीच घिरी हरियाणा सरकार ने अब किसानों की 6 फसलों को MSP पर खरीदने का फैसला लिया है। कैथल पहुंचे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि गेहूं सरसों समेत 6 फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार जौ की फसल को MSP पर खरीदने जा रही है। साथ ही ये भी फैसला लिया है कि जे फार्म कटने के 48 घंटे के अंदर ही किसानों के पैसे उनके खातों में पहुंच जाएंगे। कि आज ही हमने प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो हमारी आगे वीट की है मेजर क्रॉप, उसके साथ साथ सरसों मस्टर्ड की सेकंड मेजर क्रॉप है, उसकी बैठक ली और ये निर्णय लिया है कि केवल मात्र गेहूं सरसों तक ही नहीं, हरियाणा के किसानों के 6 अलग अलग क्रॉप्स इस बार MSP पे हम प्रोक्योर करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जो की फसल को भी 1600 रुपये से ऊपर MSP जो है उसके ऊपर हरियाणा सरकार परचेज करेगी। अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए आप सब तैयारी भी कर ले, सारे किसानों को भी आग्रह करूंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल खुला है, अपने आप को रजिस्टर भी कराए और जैसे जैसे आपकी प्रोक्योरमेंट की मंडियों को डेजिग्नेट किया जाएगा, मैंने आज ये निर्णय और लिया है कि पहले जैसे आई फॉरम के कटने के बाद गोदाउन में माल पहुंचने के बाद किसान की फसल का पैसा एक हफ्ते में रिलीज होता था, इस बार आई फॉरम की वेट करने की किसान को जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आड़ती जे फॉरम किसान का काटेगा विद इन 48 आवर्स उसका जो फसलों का पैसा है उसको उसके खाते तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार। उधर किसानों को लुभाने में जुटे दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर अपने दादा OP चौटाला के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में चौटाला साहब भी मुख्यमंत्री रहे, भूपेंद्र हुड्डा भी रहे, लेकिन कभी भी बाजरे की इतनी खरीद नहीं हुई जितनी हमारी सरकार में हुई है। मैं एक चीज आपको बता दूं और पूछ भी लूं, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि जो इतिहास में पहली बार खरीदा जाएगा तो वो किसान का खरीदा जाएगा किसी और का खरीदा जाएगा? अगर किसान की फसल का पैसा जो पहले 15 दिन और मेरे से पहले तो शायद महीने दो दो महीने तक किसान के खाते में नहीं आता था, वो जे फॉरम के कटने के 48 दिन के अंदर किसान के खाते में हम दे देंगे, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशान तो आज किसान की आर्थिक हालात को मजबूत करने के लिए हम हैं। मजबूती के साथ हमारी सरकार ने पिछले 3 प्रोक्योरमेंट सक्सेसफुली हरियाणा प्रदेश में करी। आज आप पंजाब में जाके पता करो, जहाँ कांग्रेसी पूरे दिन कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, क्या उनका पैडी तक का पैसा आज किसानों के पास आया है? तो हमारी सरकार है जिसने वीट पैडी तमाम फसलें चाहे बाजरा हो सरसों हो एक एक रुपया, और तो और हरियाणा के इतिहास में चौटाला साहब भी मुख्यमंत्री रहे, भूपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री रहे, कभी हरियाणा के अंदर 1.5 लाख 2 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा बाजरा प्रोक्योर नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ कि 8 लाख मेट्रिक टन बाजरा हमारी सरकार ने प्रोक्योर किया और एक एक दाना हरियाणा ही नहीं, लोग कहते थे दूसरे प्रदेशों का है, तो उसको भी प्रोक्योर कर कर हमने दिखाया। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आज भी कह देता हूँ कि जैसे ही मार्च के महीने से सरसों की प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, उसके साथ अप्रैल की 1 तारीख से वीट की प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों के अंदर ज़्यादा हाईटेक तरीके से लोडिंग अनलोडिंग भी होगी, एक एक फार्मर को बेहतर व्यवस्था के साथ मंडियों में बुलाया भी जाएगा और साथ में उसका जे फॉर्म कटते ही 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसे डालने की व्यवस्था को पूरी सक्सेसफुली। वही 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला कहीं न कहीं सरकार की हां में हां मिलाते हुए दिखाई दिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन 40 लोगों ने किसान आंदोलन को चेहरा दिया अब वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि किसान नेता तैयार हो तो केंद्र से मैं चर्चा करूंगा। हालांकि इस मौके पर दुष्यंत चौटाला मध्यस्थता की बात पर स्पष्ट नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि बैठकर बात हो सकती है पर विषय तो लेकर आए।
जो 40 लोगों ने इस पूरी मुहिम को चेहरा दिया था, आज वो 40 चर्चा करने के लिए तैयार क्यों थे? मैं तो बारी बारी कहता हूँ, वो 40 तैयार हो चर्चा करने के लिए, केंद्र से मैं दोबारा चर्चा करूँ? केंद्र तैयार है, कानून केंद्र लेकर आई। प्रदेश के अंदर जब मैंने पहले दिन कहा था कि MSP सुनिश्चित रहेगी, MSP जब तक रहेगी जब तक मैं मध्यस्थता के अंदर जहां बैठ के चर्चा कराने की बात है, विषय तो लेकर आए, तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही? आप उन 40 लोगों से तो पूछो कि केंद्र के साथ क्यों नहीं वार्ता। किसान है और कई दूसरे देश के आए हुए लोग लगते हैं आप? हमारे देश के किसान हैं, उनको किसी विषय पर लोग लेकर आए हैं, उस विषय पर केंद्र सरकार चर्चा करने को तैयार है। उस विषय के ऊपर क्यों नहीं दोनों पक्षों की सहमति आज तक बनी, उस विषय को आप लोगों को दिखाना भी थी। मैं तो यही बोल रहा हूं कि ये पूरी मुहिम शुरू हुई थी MSP फिक्सेशन से। केंद्र ने लिखित में दिया MSP फिक्स होगी, फिर उस मुहिम को ले जाया गया कि बिजली बिल वापस लिए जाए, अन्य 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 25 मुद्दों पर यह ले जाया गया। अब जब तमाम विषयों के ऊपर लगभग सहमति बनी, मैं पूरी तौर पर तो नहीं बोलूंगा, कई विषयों पर आधी बनी होगी, कई विषयों पर चर्चा ही नहीं हुई होगी, अब आता है बिल विड्रॉल की बात। आज के दिन तमाम रास्ते बंद कर कर किसानी का भला नहीं हो सकता। हमारा प्रयास भी रहा है और आगे प्रोक्योरमेंट सीजन में आप देखेंगे कि किसानों की कितनी चिंता हमारी सरकार को है और किसानों के प्रति कितनी गंभीर, उनकी अर्थव्यवस्था आर्थिक हालात को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए। दुष्यंत चौटाला कैथल में JJP नेता अशोक बंसल के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे पर भी जोरदार कटाक्ष किया। दुष्यंत ने पत्रकारों के सवाल पर सवाल के लहजे में ही बोलते हुए कहा कि अगर आप अभय चौटाला को सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो तो उनके इस्तीफे को आप मंजूर करें। आप उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? आप उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? अगर आप नहीं मानते तो फिर उनके इस्तीफे को आप ही मंजूर करो। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के हजारों लाखों किसान पिछले 3 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं और आए दिन प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि अभय चौटाला ने खुद ही किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला जिनसे किसान इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस्तीफा देने के बजाय उल्टा अभय चौटाला पर तंज के तीर छोड़ रहे हैं। कैथल से जोगिंद्र कुंडू, पंजाब KSTV।